हमारे ये धान के पीछे हमारे जो धान के खेत लगे थे, अभी हम उसमें डेमो वीडियो करके दिखाएंगे। ये देखो ये पूरा पाइप जो लगभग एक एकड़ का है, ये अभी हमने खोल दिया है इसको। तो ये लड़के जो है मेरे, अभी आपको स्प्रे करके दिखाएंगे कितनी दूर तक इसका फ्लो जा रहा है। अभी आप देखो ये एक एकड़ का लंबा फ्लो है, एक एकड़ में हम लोग इसको स्प्रे कर रहे हैं। देखो लंबाई के हिसाब से आज जैसे हवा भी चल रही है, फिर भी हम उल्टी दिशा में करके इसको चला रहे हैं, तो बहुत ही उम्दा जैसे हमारा ट्रैक्टर स्प्रेयर चलता है। क्या सुपर चल रही है, देखिए कितना सुपर फ्लो है। ये गन की खासियत ये है, अब ऐसे करके चलाओगे देखो कितनी फोग बन रही है, जैसे आपकी वेजिटेबल की स्प्रे है, तो एकदम मस्त स्प्रे हो रही है इस गन के साथ। तो ये है मेरी ट्रॉली स्प्रे की परफॉर्मेंस। नमस्कार किसान भाइयों, आपका दोस्त मनीष कुमार रासन एग्रो इंजीनियर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। स्प्रेमैन जो चैनल हम लोग का है, उसके अंदर मैं रोज़ कुछ ना कुछ नई जो हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए हम हर जो है दिन ये कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे एक जुगाड़, देसी जुगाड़ जो हमने बनाया है। वो जैसे होता था कि पहले हम लोग ये पुराने वाला मॉडल जो मेरा बहुत पुराना, हमने मैंने जब ये जुगाड़ बनाया था तो इसमें हम लोग इसको वर्टिकल स्टेज में लगाते थे टैंक को। तो किसानों का मेरे पास रिव्यू आता था कि भैया ये आप जो टैंक है ना, जैसे हमारी कोई पही आई या वो आए तो ये पलट जाता है, तो आप कुछ ऐसा करके दो कि ये ड्रम जो है हम लेके जाएँ बड़े आराम से, चाहे मोटरसाइकिल के पीछे डाल लें, एक आप ये पहिया जो लगाते हो ये भी ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने फिर इन चीज़ों को और ध्यान रखते हुए, जैसे कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक, पहले तो सबसे पहले इस टैंक को हॉरिजॉन्टल स्टेज में दिया, और उसके बाद उसका ढक्कन है जो उसके अंदर ये देखो बहुत बड़ा फ़िल्टर दिया, क्योंकि जब हम स्प्रे के लिए पानी डालते हैं तो उसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता था, इसमें फ़िल्टर दिया। फ़िल्टर के बाद आप इसको फ़िल्टर करके पानी डालोगे, ये ढक्कन इसको लॉक लगा के ऐसे बंद कर दोगे, तो उसके बाद आ जाता है इसका जो, अब हमने पानी उसके अंदर निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, अब आपकी जैसे केमिकल है या पानी है वो बच गया, तो उसके लिए हमने इसे नीचे इसके एक यहाँ पे आउटलेट वाल दिया है, तो आप इसको खोलकर पानी को बाहर डिस्चार्ज कर दोगे। दूसरा, ये बड़े बड़े मोटे मोटे मोटरसाइकिल के टायर दिए हैं, जहाँ पे डबल वायर बेयरिंग दिया है, लॉक वाला ये दिया है। और तीसरा ये रहता था कि जैसे ये टायर है आगे वाला, तो ये बहुत छोटा, किसान भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टायर जो पहले वाला था ना, ये छोटा टायर था, और इसमें हमने एक जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग आप इतने से ये अंदर ही इसको जैसे मोड़ लोगे, क्योंकि खेत के अंदर ज़मीन का फर्श तो लगा नहीं होता, ऐसे ही जैसे खेत में खड़े हैं हम ऐसे ही होता है। यहाँ पर मैंने डबल वायर बेयरिंग देकर एक हैंडल ये चीज़, हमने अपने ट्रॉली की फैब्रिकेशन के बारे में सारी बात क्लियर कर दी है। अब आप बात आ जाती कि हमने आप इसमें इंजन कौन सा लगाया, इंजन हमने होंडा का GX80 लगाया है जो, और दूसरा ये वाला जो पंप है ये हमने स्प्रे मैन का लगाया है बड़ा 45 नंबर का, 522 नंबर का, ताकि इसमें दो आउटलेट वाल दिए, और इसका जो अभी थोड़ी देर में हम लोग आपको वर्किंग वीडियो करके दिखाएंगे, आप इसके दोनों वालों के ऊपर दो गन्ने लगाकर चला लोगे, और ये पूरा इसमें यहाँ पे थ्रश बेयरिंग देकर पीतल का रूटर देकर बहुत हैवी रोलर बनाया है, और जो हमने इसके अंदर पाइप लगाई है ये देखिए आप, जैसे मेड इन कोरिया हाई प्रेशर वाल 180/8 mm मेड इन कोरिया, ये पोनाफ्लेक्स कंपनी की हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब क्वालिटी के अंदर जैसे आपको, आपका जो हमारे ऊपर बहुत पुराना विश्वास है, हम लोग 30 साल से इसी लाइन में लगे हुए हैं, होंडा से हमारी OEM है। और दूसरी चीज़ आ जाती है, इंजन आपने पेट्रोल दे दिया, इसकी तेल की कंजम्पशन कितनी होगी, ये इंजन बड़ी मुश्किल से एक घंटे में, भले आप दो गन्ने चलाओ भले आप एक गन चलाओ, आधा लीटर से भी कम तेल लेता है। जैसे ये पाइप हमने इसके ऊपर जो रोलर बनाया है ना, इसके ऊपर लगभग आप 400 फुट जान, लगभग 1.5 रोल जो पाइप का है वो रोल कर सकते हो। अभी जैसे हमने इसकी कॉस्ट रखी है वो 200 फुट पाइप के साथ रखी है, और ये कॉस्ट जो मैंने इसमें होंडा का इंजन, जैसे 16-17 हज़ार का इंजन है, ये पंप है 5-5.5 हज़ार का, 6 हज़ार का पाइप है, ये सारा टोटल क्लब करके मैंने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी है विद GST 42,000 के अंदर हम ये वाला आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं। और इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी बुकिंग कराइए, क्योंकि इंजन होंडा ने भी 1500 रुपये रेट बढ़ाया, कुछ पाइप के रेट भी बढ़े हैं, तो ये कीमत हमारी आप लगा के चलो कि हम लोग
इसको 30 सितंबर तक होल्ड कर पाएंगे, आगे जाकर जो कीमत होगी उसके बारे में दोबारा रिव्यू करेंगे। इसके ऊपर आप दो गन्ने चलाकर, अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसकी वर्किंग वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो अभी और भी जो कोई आपका क्वेश्चन हो किसान भाइयों वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अभी किसान भाइयों हम आपको ये टर्की वाली गन जो मेरे पंप के साथ लगाकर इसकी डेमो करके दिखाते हैं। ये अभी हम धान के खेत में आए हैं, तो मैं आपको जस्ट ये दिखाने के लिए आया हूँ कि कितना लंबा और कितना शानदार फुहारा करता है। जैसे हम ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के साथ स्प्रे करते हैं, तो एक ट्रैक्टर माउंटेड जो है एक घंटे के अंदर 2.5 से 3 लीटर तेल ले लेता है। तो इस इंजन की आधा लीटर पर प्रति घंटे की पेट्रोल की जम्पशन है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो कि हमें कौन सा पंप सस्ता पड़ा है। तो देखो मेरे किसान प्यारे किसान भाइयों, ये लड़का अभी खेत के अंदर स्प्रे कर रहा है। तो ये लगभग लगभग एक तरफ को अगर हम चलें तो 30 से 35 फुट का इसका जो है स्प्रे प्रेशर वर्किंग है। और अभी हम इसको फोग बनाकर चला रहे हैं, अगर मैं इसको लंबा करूं तो ये और लंबा हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से जो स्प्रे का यही तरीका जो है वो करना चाहिए। हम लोगों को जल्दी रहती है कि स्प्रे हम जल्दी करके ख़त्म कर दें काम, बट वो पानी गिराने वाली बात होती है। स्प्रे का बेनिफिट ऐसे जैसे फोग बने पूरी, इसी का बेनिफिट होता है। तो देखो आप कितना शानदार चल रहा है ये मेरा 4080 मॉडल ट्रॉली स्प्रेयर विद होंडा इंजन 4080, और टर्की की गन लगाई है हमने इसके ऊपर, और ये 200 फुट एक हम पाइप का जो लेके चल रहे हैं फुहारा। तो मैं अभी इस लड़के को बोलूँगा कि दोनों तरफ को स्प्रे करके दिखाए। ये देखो आप, ये अगर आप हम लेके चले 25-30 फुट इधर और 25-30 फुट उधर, ये वो जो स्प्रे करते हुए लड़का आ रहा है, तो ये कम से कम एक बार के अंदर 40 से 50 फुट का जो फ्लो मेरा पंप कवर कर रहा है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना स्प्रे करने का तरीका वो चेंज करिए और ये वाला स्प्रेयर लीजिए। और इसकी लाइफ के बारे में तो आपको पता ही है कि ये होंडा का स्प्रे है, पंप है, और कितना शानदार चल रहा है। और एक ट्रॉली स्प्रे से आप जो है 200 एकड़ तक की स्प्रे कर सकते हो। तो देखिए कितना शानदार फ्लो जो है चल रहा है। किसान भाइयों आपको दिखा रहे हैं कि एक ही पंप के साथ उतना ही तेल लग रहा है, और ये मेरे लड़के बागों में जैसे हम स्प्रे करते हैं दो गन्ने इकट्ठी लगा कर चला रहे हैं। अब आप देखो इसका होरिजेंटल भी जो है प्रेशर वो लगभग दो गन्नों के ऊपर भी 20 से 25 फुट का जो है वो फ्लो है। मतलब अगर हम सिंगल गन कर दें तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिंगल करके भी दिखाता हूँ, तो वो और हाइट पे जाएगा। तो ये देखिए कितनी शानदार फ्लो कैसे स्प्रे हो रही है। एक किसान भाइयों जी, अब हमारी टर्की वाली गन फो गन जो चल रही है, वो देखो आप कितना लंबा फुहारा जो है वो चल रहा है, लड़का चला रहा है। तो पूरी शानदार है, ये ओरिएंटल पोजीशन के अंदर चल रही है। लगभग 30 फुट तक जो हमारे पेड़ लगे हुए हैं जिसको ये अपना प्रेशर दे रहा है नीचे से, तो बहुत ही शानदार वर्कआउट हो रहा है। अब देखिए कितनी शानदार स्प्रे हो रही है। अब ये इसी गन को मैं आपको ओरिएंटल तरीके से करके चला के दिखाता हूँ, क्या सुपर चल रही है। देखिए कितना सुपर फ्लो है। अब मैं इसको यहाँ से खड़ा होकर कर रहा हूँ स्प्रे, तो ये देखिए आप, ये देखो कहाँ तक इसका फ्लो है। हालांकि आज एयर का फ्लो भी चल रहा है, बट फिर भी देखो आप 30 से 40 फुट तक का बहुत ही शानदार फ्लो। अब ये गन की खासियत ये है, अब ऐसे करके चलाओगे देखो कितनी फोग बन रही है, जैसे आपकी वेजिटेबल की स्प्रे है। तो एकदम मस्त स्प्रे हो रही है इस गन के साथ। तो ये है मेरी ट्रॉली स्प्रे की परफॉर्मेंस। और आपको अगर इस प्रोडक्ट को ख़रीदना है तो वही सीधा फंडा है कि जैसे 42,000 का प्रोडक्ट है तो आप 5,000 हमारी कंपनी के अकाउंट में एडवांस डालोगे, बाकी जब हम प्रोडक्ट जहाँ से जिस दिन आपका एडवांस आता है, हमारी कंपनी की ये खासियत है, उसी दिन या उसके अगले दिन ये डिस्पैच हो जाता है। तो लोगों की तरह नहीं है कि आप फ़ोन करते रहो पैसे डालने के बाद, कोई आपका फ़ोन नहीं उठाएगा पेमेंट लेने के बाद। तो मैं आपको आपसे वादा है, सेकंड डे हमारी जो है डिलीवरी है वो गति कोरियर से आपके पिन कोड के हिसाब से
हम लोग डिलीवरी देते हैं। और दूसरी बात आ जाती है, कई बार आप लोग अपना एड्रेस तो शेयर कर देते हो, और मेरे स्टाफ की भी कई बार गलती होती है, वो आपसे पूछता नहीं है कि आपको होम डिलीवरी चाहिए तो इसका आरटीज का खर्चा इतना है, आपको आपके पिन कोड के हिसाब से जहाँ तक गति का ऑफिस है वहाँ तक ये खर्चा है। तो ये चीज़ें आप उसी टाइम क्लियर कर दो कि आपको घर पर चाहिए तो ये रेट है, और जैसे ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इसका गति का हमने बहुत से तेलंगाना में, बहुत से आपके हैदराबाद में मेरी मशीनें चल रही हैं, महाराष्ट्र में चल रही हैं, इवन देन बेंगलोर तक चल रही हैं, तो गति का कॉस्ट जो है ये ज़्यादा नहीं आता, 3-1 हज़ार रुपये जो है वो कुरियर चार्जेस का खर्चा आता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप जब भी ऑर्डर करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कंपनी को ऑर्डर दो, नीचे दिए हुए नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सएप करो, अभी हमने एक नंबर और भी बढ़ा दिया है क्योंकि नंबर व्यस्त रहते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे दूसरी वीडियो में, आपको वो भी प्रोडक्ट हमने आज ही लॉन्च किया है, तो इसके में थोड़ा वो छोटे फार्मर के लिए छोटा इंजन लगाया है, वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो डन किसान भाइयों, हम करते हैं इसकी थोड़ी देर में वर्किंग वीडियो।